चलो रेडी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल आई होप यू गाइस आर प्लेइंग वेल। अभी हम लोग जा रहे हैं इनसाइड क्रिकेट के ऑफिस एंड वहाँ पे हम लोग इनसाइड क्रिकेट का जो मैगजीन है वीकली बाइलिंगुअल मैगजीन उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे एंड ये भी समझेंगे कि व्हाट इज इनसाइड क्रिकेट इज एक्चुअली ऑल अबाउट। अंगद आर यू एक्साइटेड? यस। ओके सो लेट्स मूव। हाय अंगद। आ जाओ आ जाओ। वेलकम टू इनसाइड क्रिकेट। अभी थोड़ा सा गिफ्ट पैकिंग और यही चल रहा है। अग्नि का गिफ्ट मिल गया उसको। वेरी गुड। हाय चेन्नई फैन? तो हम लोग अभी आए हैं इनसाइड क्रिकेट के ऑफिस में एंड ये सर जी है हमारे संदीप चौहान सर। Hello. ये हमारे दोस्त भी है और हमारे सीनियर कोच भी है। तो केदार जाधव और इनका ये वेंचर है और ये पूरा चीफ एडिटर ये है। तो अभी इनसाइड क्रिकेट के बारे में यही आपको बताएंगे। अभी ये इनसाइड क्रिकेट एग्जैक्टली है क्या? बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इनसाइड क्रिकेट एकेडमी है या क्या है, तो आप क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? इनसाइड क्रिकेट महाराष्ट्र फर्स्ट बाइलिंगुअल स्पोर्ट्स वीकली है। अगर आप अभी देखोगे तो पुणे में या फिर महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स वीकली न्यूज़पेपर कहीं भी नहीं है, खासकर बाइलिंगुअल किधर भी नहीं है। जो महाराष्ट्र में जो भी प्लेयर अच्छा करेगा उसको हम एक्सपोजर देने वाले, और ये महाराष्ट्र के क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए बना हुआ है। और ये है अभी हमारा ये सेकंड प्रिंट एडिशन है और ये 50% मराठी रहेगा, 50% इंग्लिश रहेगा। तो दोनों रीडर्स है उनको ये बेनिफिशियल है। महाराष्ट्र का लोकल क्रिकेट, महाराष्ट्र का जो भी स्टेट क्रिकेट है वो पूरा कवर किया जाएगा। और इसमें सिर्फ इनसाइड क्रिकेट नाम है लेकिन अदर स्पोर्ट्स को भी हमने पेजेस एलोकेट किया है जिसमें अदर स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट्स होंगे या जो भी अच्छा करेगा उसको हम एक्सपोजर देने वाले हैं। महाराष्ट्र में टैबलॉइड साइज का, ये साइज का स्पोर्ट्स वीकली न्यूज़पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सब रीडर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको ऐसा पेपर हर हफ्ते पढ़ने को मिलेगा। आपके घर में अगर 5 साल का बच्चा है और 90 ईयर्स के आपके दादाजी है, नाना जी है, ये पूरा रेंज है, ये सबके लिए हमने कवर किया है। सो प्लेयर्स के लिए भी रहेगा और पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए रहेगा। अगर आप देखोगे 5 साल का या फिर कोई बच्चा रहेगा तो उसके लिए हमने एक किड्स पेज भी किया है। ये किड्स पेज है, पजल। हाँ, पजल्स है, क्रिकेट के रहेंगे सब। और इसमें ये जो सेक्शन है ना हमारा लॉ का सेक्शन है, हमने क्रिकेटिंग लॉज कवर किए हैं। अभी हमने ये सेकंड इशू में ये मेजरमेंट्स का किया है कि बैट का साइज क्या रहता है, बॉल का वेट क्या रहता है, पिच का साइज क्या रहता है, ग्राउंड का साइज क्या रहता है, जो क्रीजेस है अलग अलग, रिटर्न क्रीज, बॉलिंग क्रीज, पॉपिंग क्रीज, वो कैसा रहता है, वो सब हमने यहाँ पे कवर किया है। और एक मेरा खुद का एक सेक्शन है कोच कॉर्नर करके, जिसमें स्पोर्ट्स पेरेंटिंग से लेके पूरा टेक्निकल साइड भी हम कवर करने वाले हैं। मेरे यहाँ पे खास करके आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो टीम है वो बहुत यंग टीम है। हमारा जो असिस्टेंट एडिटर है वो 23 इयर्स का है, उसका जो राइटिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। भी मैचेस अभी आपने अगर देखा होगा LPL का कवरेज हमने 2 पेज किया है, लंकन प्रीमियर लीग। पूरे वर्ल्ड में जो भी क्रिकेटिंग इवेंट होगा वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और एक बहुत ही खास सेक्शन है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ICC एसोसिएट मेंबर्स। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा नेशंस है वो क्रिकेट खेलते हैं। यूरोप में है, अफ्रीका में है, कुछ आइलैंड्स है वहाँ पे क्रिकेट है, तो उनको हमने कवर किया है। ये हमारा एक सेक्शन रहे, अभी हमने इसमें ICC एसोसिएट मेंबर में जर्मनी का क्रिकेट कवर किया। तो रीडर्स को ये आपको पढ़ने मिलेगा कि दुनिया में कहाँ कहाँ क्रिकेट है और वहाँ पे कैसे एस्टेब्लिश हुआ, वहाँ पे अभी क्या प्रोग्रेस चल रहा है, उधर क्या
क्रिकेट का नेचर कैसा है, क्या है, कंपटीशन लेवल क्या है, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है। ये 2-3 सेक्शंस मैंने बताया, बाकी आपको जो भी देखना है तो आप हमारे न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो हर हफ्ते। इसका सब्सक्रिप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे करना है? हमारा वेबसाइट है www.insidecricket.co.in, तो वहाँ पे आप जाके डिजिटल सब्सक्रिप्शन और प्रिंट सब्सक्रिप्शन अभी आप ले सकते हो। और प्रिंट सब्सक्रिप्शन जो है वो सिर्फ पुणे सिटी और PCMC सिटी के लिए अवेलेबल है अभी, और डिजिटल सब्सक्रिप्शन सबके लिए है। डिजिटल मतलब PDF फॉर्मेट में आपको मोबाइल? यस। जो भी अभी बच्चे, नए बच्चे तो, कि उनको क्रिकेट खेलना शुरू किया है और उनको आगे कैसे जाना है, तो उसके कौन से स्टेप्स है, मतलब टिल इंडिया लेवल के क्रिकेट तक, तो वो सब आप कवर करोगे इसमें? मतलब फॉर्मेट क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहता है? हाँ, वो धीरे धीरे हम सबका इन्फॉर्मेशन, क्रिकेट यानी ये इनसाइड क्रिकेट है, ये इनसाइड क्रिकेट नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। जो भी क्रिकेट के अंदर जो भी है वो सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। अभी का जो जनरेशन है मोबाइल में बहुत रहते हैं, बहुत पेरेंट्स का कंप्लेंट आता है कि मोबाइल उनका कुछ तो करो, आप मोबाइल फेंक दो, मोबाइल का ही दो। मैं यही बताना चाहता था कि ये इनसाइड क्रिकेट स्टार्ट करने का और एक मोटो था कि बच्चों को पढ़ने का आदत लगे, ये करेक्ट, क्योंकि हमारी जनरेशन ने ये बहुत किया या हमारे पहले भी, ये जो है ना इसका जो फील है ना ये बहुत अलग रहता है। और इसमें जब नाम आता है, जब फोटो आता है, इतना बड़ा फोटो, तो वो जो फील है वो कहीं भी नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ना चाहिए, पेपर ऐसे पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने का थोड़ा सा जो आपका रुचि है ये इधर से बढ़ेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। मोबाइल नहीं, मोबाइल छोड़ दो। जितने भी पुणे के जो लोग है ना, पुणे सिटी या PCMC, तो उन्होंने हार्ड कॉपी सब्सक्राइब करनी चाहिए। ये जो फील है हमारा, जो पेपर है या प्रिंटिंग क्वालिटी है, जो कंटेंट है, वो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी डिस्काउंटेड रेट है सब्सक्रिप्शन का, प्रिंट कॉपी का पूरे साल का 799 रुपीज़ है। एक्चुअली 52 कॉपीज का 1300 होता है, लेकिन 799 में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा और ये आपके घर तक आएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा ऑफिस दिखा दो, छोटा सा ऑफिस है अभी जस्ट स्टार्ट किया है हमने। ये हमारा फर्स्ट डिजिटल जो इशू था उसका हमने बहुत ही हमारे करीब है दिल के सबके। धोनी सर ने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया था, उसके बाद 7 जुलाई 2020 को हमने पब्लिश किया। 7 जुलाई सबको मालूम है कितना खास है, धोनी भाई का बर्थडे रहता है। हमने उसमें एक बहुत ही बढ़िया लेटर लिखा था केदार ने धोनी भाई को, कि वो कैसे फील करता है धोनी भाई के साथ खेलते हुए या उनसे क्या क्या सीखा है। हाँ, वेबसाइट पे है अभी, वो डिजिटल कॉपी है अभी, तो ये हमारे बहुत ही दिल के पास है। और वो जो लेटर है वो अगर आप पढ़ोगे, वो पढ़ते पढ़ते आँखों में पानी आ जाता है। तो ये जो फर्स्ट एडिशन है उसका हमने फ्रेम्स बना के रखा है। तो ये लेटर सरजी बोल रहे हैं जो केदार की तरफ से धोनी भाई के लिए लिखा था उनके बर्थडे पे। दिस इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, और ये अभी इनकी सब हार्ड कॉपीज तैयार है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी। ये केदार का एक ऐसे केदार सरजी हमेशा बोलता है कि क्रिकेट बहुत कुछ सिखाता है, उसने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मैं खुद एक कोच हूँ, जो मैंने सीखा है क्रिकेट से, सेंटेंस लिखा है, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला फॉर सक्सेस, टीम वर्क। तो हमारा जो ये जो वेंचर है ये पूरा टीम वर्क है, ये हमारा कंटेंट मैनेजमेंट का रहता है। आज बहुत सारे लोगों का छुट्टी है, कल ही हमारा पब्लिश हुआ, तो आज थोड़ा सा आराम से रहता है सब प्रोसेस में। ये वेबसाइट का पूरा हैंडल करती है अनुश्री, और ये हमारा अभी अगले एडिशन में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं उसका रहेगा। और ये यहाँ पे हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी बैठता है, अभी तो नहीं है वो, हमारा जो पेज लेआउट करता है डिजाइनर हमारा, वो इधर बैठता है। और ये है चिन्मय, ये असिस्टेंट एडिटर है, इसका उम्र मैंने बताया 23। ये पूरा सा यंग टीम है। तो ऐसा छोटा सा वो हमारा ऑफिस है, जस्ट स्टार्ट किया है अभी, धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ना है आपकी मदद से, सब रीडर्स की मदद से। श्योर। अंगद बघितलं का ऑफिस? अंगद को भी लेके आया था, सर को भी मिलाना था अंगद को, अंगद को बहुत दिन से इनसाइड क्रिकेट का ऑफिस भी देखना था, तो वो भी देख लिया।
सो प्लीज़ गो गेट योर सब्सक्रिप्शन, हम लोग ने तो ऑलरेडी ले लिया है एंड इट्स वेरी गुड। वो बच्चे हैं ना, उनका भी क्रिकेटिंग नॉलेज उससे बढ़ता है, आपका एज अ पेरेंट भी आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप इसमें इन्वेस्ट करो, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, ये खर्चा नहीं है, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। चलो अंगद को भी एक कॉपी मिल गई। अंगद ओके, अंगद ने डायरेक्टली किड्स पेज ही ओपन किया है। हाँ, एक रूट खुला शोधायचा आहे, नंतर एक डॉट्स कनेक्ट करून स्टेडियम बनवायचं आहे, डिफरन्स आहे, इथे अजून काय काय आहे, सगळी मजा आहे सगळी। याचे जे आन्सर्स आहेत ते नेक्स्ट इश्यू मध्ये मेजरमेंट्स, आपल्याला माहिती पाहिजे ना बॅटची मेजरमेंट काय असते, स्टम्पची मेजरमेंट काय असते, बॅटचा जो फेस असतो त्याची एक साईज असते, हाईटचे वेगळे असतो, कुठल्या क्रीजला काय म्हणतात, त्याची काय मेजरमेंट असते, हे सगळं याच्यामध्ये आहे इन्फॉर्मेशन। आता हा एक लॉ आहे, अजून पुढचा एक लॉ, अजून असे आपण प्रत्येक लॉ याच्यामध्ये येणार आहे। कोविड की वजह से सबसे इम्पॉर्टंट चीज बाहेर निकलते वक्त करेक्ट मास्क, ये मास्क आपके लिए और आपके टीम के लिए, टीम के लिए आता कसला का वेस्ट, तू तुझ्या फ्रेंड्सला सोसायटीमध्ये अकॅडमीमध्ये सगळ्यांना दे वाचायला। हां, थँक्यू थँक्यू, येस थँक्यू, चला परत भेटूच आपण ग्राउंडवर आणि सारखं चहासाठी। ओके येस, सो कैसा था इनसाइड क्रिकेट का ऑफिस, ये मेरी कॉपी है और मैं अभी इसे पढ़ूंगा आज। आप सब लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो इनसाइड क्रिकेट है ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स वीकली है, इसमें आपका क्रिकेटिंग या स्पोर्ट्स का नॉलेज भी बढ़ेगा। तो आई इंसिस्ट कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिल रहा है। दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर किड्स गेम। एकेडमी में उनको क्रिकेटिंग स्किल सिखाया जाता है, वैसे इसमें मेंटल एस्पेक्ट पे काम होगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है केदार जाधव जी की तरफ से। अंगद ने अंगद का सब्सक्रिप्शन कर लिया है, आप भी वेबसाइट पर जाइए और अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। ओके, तो चलो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन, तो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। ओके, सो दोस्तों एज ऑलवेज, बाय फॉर नाउ।